क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द टॉपर हु कम टू ए डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क एज मैन, मैन के लिए एम इंडिकेट किया कैपिटल एम एंड वुमेन डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू एंड बॉय कैपिटल बी और गर्ल कैपिटल जी, द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द टॉपर हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन मॉर्निंग। तो आपका जहां जहां डब्ल्यू लिखा है, डब्ल्यू मीन्स आपका क्या हो गया, वुमेन, ठीक है, एम मीन्स आपका मैन, एंड बी मीन्स बॉय एंड जी मीन्स गर्ल, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है वुमेन मैन बॉय एंड गर्ल। तो द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द फ्रीक्वेंसी, हेलो, डिस्ट्रीब्यूशन, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज as follow. ठीक है, अब इसको आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स बनाने हैं, तो पहले क्या है, टॉपर, सेकेंड नंबर में क्या है आपका, टैली मार्क्स, अगर देना चाहें टैली मार्क्स, एंड नेक्स्ट नंबर ऑफ टॉपर, नंबर ऑफ टॉपर, यानी आपके टॉपर्स कितने हैं, ठीक है, तो फर्स्ट पहले वुमेन W काउंट करिए कितने हैं, हाउ मेनी W, यानी वुमेन कितने हैं, काउंट करिए, हेलो सर, 28 ये लिखा हमने, और यहाँ पे जो आपका टैली मार्क, हाँ ओके ओके, टैली मार्क्स लिखेंगे 1, 2, 3, 4 and 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, कितने हुए, अभी 20 हुए, 1, 2, 3, 4, 5, अब कितने हो गए, 25, तो रिमेनिंग कितने बचे अभी, 3, तो ये आपके 3 हो गए इधर, ये आपका टोटल 28 हो गया, ओके, देन आपका मैन, मैन कितने हैं, हाउ मेनी मैन, सर 15 मेन है, ठीक है सर, तो 15 हमने यहाँ पे लिख दिया, 15 मेन हो गए, ठीक है, अब आपका 15 लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4, ये सभी को पता 4 हो गया, ये आपका 5 हुआ, 1, 2, 3, 4 देन 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो 15 हो गए, 5 3 15, ओके, नेक्स्ट आपका बॉय, सर 5, बॉय कितने हैं, 5, 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
डल कितनी है? 12. तो यहाँ पे हमने 12 लिख दिया और फिर इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 देन आपका 2 तो कितने हो गए 12. अब इन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल फाइंड हो जाएगा. तो 12 और 18 40 हो गया, 40 और आपका 20 60. तो टोटल कितना हो गया 60. टोटल आपके 60 हो गए. तो फर्स्ट आपको तो ये टेबल बनानी है. समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर. ठीक है.
हम इसको जो है बार ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देख लीजिए। ये ध्यान रखने के वुमेन का है, बॉय का आपका 5 है और ये अब तक 12 है। तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रीब्यूशन ये टेबल बनानी है, फिर इसके बाद आपको ग्राफ पेपर में ग्राफ बनाना है। सभी लोग ग्राफ पेपर की कॉपी ले लीजिएगा, चाहे उसी में बना लीजिएगा या फिर ग्राफ आप शेयर कॉपी में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और ग्राफ पूरा पेस्ट नहीं कर दीजिएगा, ऐसा नहीं कि जैसे उसकी पुड़िया टाइप चीज बना ले फोल्ड करके, ऐसा नहीं करना। ओके तो पहले मान लेते हैं यहाँ से हम 5 फिर 10 देन 15 देन 20 देन 25 देन 30 मैक्सिमम, मेरे मैक्सिमम आपका 28 है, 30 तक कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नंबर ऑफ शॉपर्स, नंबर ऑफ शॉपर्स, और यहाँ पे हो जाएगा शॉपर्स, शॉपर्स यानी आपका मैन है, वुमेन है, बॉय है, गर्ल्स है, जो भी, ये आपका यहाँ पे। तो सबसे पहले आपका वुमेन के शिक्षक दिया है 28, तो सभी के पास ग्राफ पेपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आपका टू जो छोटी छोटी बारीक मैं जो आपका जो है पतली सी आपके जो जो होंगी लाइन्स होंगी, तो उसमें आपका यहाँ से यहाँ तक का पूरा 10 दिया होगा, ठीक है। तो यानी आपका 1 यूनिट इक्वल टू आपका 2 यूनिट के होगा, यानी अगर 1 लिखेंगे तो 2 लाइन्स होंगी उसके इक्वल होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपका जैसे 25 है, ठीक है, क्या है 25 है, अब हमें 28 चाहिए, तो 2 3 जा, क्योंकि 25 प्लस 6 कितना होगा 28, तो 2 3 जा आपका 6 होगा, यानी आपका एक बीच में इसमें लाइन जो हल्की सी डार्क होगी उसके ऊपर एक और होगा, जो ऊपर वाला पॉइंट होगा वही आपका 28 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने जो है बार ग्राफ बनाएंगे पूरा, उसमें तो पूरा आपका बॉक्स ही रहेगा, ऐसे पूरा बॉक्स ही आएगा पूरा रेक्टेंगल शेप पे। तो ये आपका वुमेन का होगा, ये आपका 28 है, इसका है वुमेन का है, ये आपका 28 है, इसके हाँ इसके बाद आपका 15 दिया हुआ है, तो 15 तो आपका इजिली हो जाएगा। ये ध्यान रखना इनके बीच में इक्वल गैप होना चाहिए, क्योंकि हम बार ग्राफ बना रहे हैं तो इक्वल गैप होना चाहिए। तो देन आपका ये 15 हुआ, ठीक है, ये 28, ये 15 किसका है मैन का, इसके बाद आपका बॉय का कितना है 5, तो ये 5 के सामने ही आपका ये करेंगे लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या कितना हो गया बॉय का, ठीक है। अब आता है गर्ल, गर्ल का कितना है 12, तो मैंने बताया था हर एक यूनिट में 2 का मल्टीप्लीकेशन, यानी उतनी लाइन 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे वो उतनी लाइन हो जाएंगे, तो आपका ये हो जाएगा 12, तो 12 यानी 2 2 4, तो यहाँ पे जो आपका 5 होगा उसके जस्ट नीचे एक पतली सी लाइन होगी, जो 5 में होगा वो आपका डार्क होगा, ठीक है, उससे एक जस्ट नीचे आपका हो जाएगा गर्ल जी, ये आपका बार गर्ल, ओके। अब इसमें जो समझ में आया तो बताइए, अगर यह तो हम सीधे डायरेक्ट कैश स्केल मान लेते हैं तो आपका कंटिन्यू हो जाता है, उसमें फिर दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर ऐसा कर देंगे तो ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बनेगा, इसलिए हमने स्केल ऐसा लिया हुआ 5 का लिया, छोटा लिया है,
इसमें आपका यानी आपका वन अगर आपका यूनिट है, अगर वन यूनिट है तो हमें यानी आपका जैसे 12 में आपका ये 24 यानी कंटिन्यू अगर यहाँ से काउंट करेंगे 24, अगर यहाँ से पॉइंट काउंट करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 के जस्ट एक नीचे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। हाँ अब इसके बताइए कौन सा क्वेश्चन नेक्स्ट बताऊंगा। हेलो यस सर ज्ञानेंद्र सिंह आप पूछ रहे थे क्वेश्चन कौन है, तो तुमने आपने देखा नहीं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, ये टू दिख नहीं रहा है देख लिए थे सर, हम तो पूछ रहे थे 5.2 है सर, नहीं 5.1 है, ठीक है एक्सरसाइज 5.1 यस सर, फिर पता चल गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बताना बताइए। बताएं कौन सा क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको, क्वेश्चन 3 में आपको जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना देना, जो इसके पहले मैंने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दी है। हाँ फिर कौन सा, हेलो कौन सा क्वेश्चन, थर्ड वाले में सिर्फ टेबल बस बनाना है। हाँ हाँ थर्ड वाले में तो ओनली टेबल बस बनाना है, ठीक है ग्राफ नहीं बनाना है उसमें। ओके और कौन सा क्वेश्चन नेक्स्ट बताएं। बताएं जल्दी क्योंकि तो थर्ड में आपका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, वो आपका 4 और 5 बचा हुआ था, 4 में 5 में से कौन सा बताएं। सर दोनों में ग्राफ ही बनानी है। नहीं ग्राफ तो बना हुआ, ग्राफ तो बना हुआ ना दोनों में सर, नोटबुक में चिपका लेंगे ग्राफ सर, उसकी बुक में ना लिखेंगे सर, सीधे नोटबुक में चिपका लेंगे। ये बताइए क्वेश्चन तो दोनों ही है ना, क्वेश्चन नंबर फोर वाला बता दें। ड्रा द हिस्टोग्राम ऑफ द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द क्वेश्चन नंबर 3 का ही जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना है। चलिए तो इसमें दोनों उनकवर हो जाएंगे, ठीक है दोनों में आपके क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसमें कवर हो जाएगा और आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन टेबल उसकी मांगी उसने 3 की। क्लास इंटरवल हो गया, देन आपका टैली मार्क,
एंड आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो द वीकली वेजेस ऑफ द 30 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री, 30 वर्कर्स इन फैक्ट्री में, ठीक है, ठीक है, 30 द वीकली वेजेस इन रुपीज में आपका दिया, आप 30 वर्कर्स इन फैक्ट्री, जो जो फैक्ट्री मजदूर हैं उनकी एक तरह से मजदूरी दी गई, एक 30, एक 35, एक 90, तो इसमें आपका मिनिमम एक इसमें दिया गया है आपको जो कि आपको जो है 800 से स्टार्ट करना है और 810 तक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है 810 से 820, ठीक है, तो आपका मैक्सिमम 900 तक ही जाएगा, तो वन इसी टाइप से आपका 820, तो 830, 830, तो 840, 840, तो 850, 800 to 860 and 860 to 870, 880, 800, sorry, 870 to 880, 880 to 890, 890 to 900. तो अब इसी में बताया दे रहा हूँ, ये आपका लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। जब मैंने एक बार अभी पहले बताया था, डेफिनेशन दी थी, इंट्रोडक्शन किया था, तब मैंने आपको बताया था कि ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। तो जो आपका क्लास साइज होता है वह क्या हो जाएगा, 10 होगा, 810 माइनस 800, 810 माइनस 800, तो आपका क्लास साइज क्या होगा, 10। इसलिए मैंने बता दिया कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आज देखते हैं 800 टू 810, तो कितने वर्कर्स हैं जिनकी आपका मजदूरी 800 टू 810 तक है, कितने हैं, थ्री, ये थ्री रखा और ये पहली मार्क बनाया, 810 टू 820 सर टू, टू, तो ये आपका टू हो गया। नेक्स्ट आपका 820 to 830 सर वन, वन, तो यस सर वन, वन हो गया। नेक्स्ट आपका 830 to 840 सर नाइन, सर नाइन, आपका वन टू थ्री फोर एंड फाइव, वन सिक्स सेवन एट नाइन, तो आपका नाइन हो गया। फिर उसके बाद 840 to 850 कितने हैं सर, फाइव, फाइव सर, फाइव है, तो आपका फाइव हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 850 to 860 सर वन, वन, तो डेल वन और ये वन हुआ, ठीक है। अब बोर्ड का साइज थोड़ा सा अलग हो रहा है ना, तो आप समझ से जाइएगा। फिर इसके बाद, इसके बाद आप बताइए नेक्स्ट 860 टू 70 सर थ्री, कितने हैं, थ्री, थ्री सर, थ्री, थ्री, एट हंड्रेड, ये ठीक है। फिर 870 टू 80 सर वन, 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 इसके बाद 880 टू 90 सर वन, सर वन, वन, 890 to 900 सर फोर, फोर, सर फोर, सर फोर, थ्री फोर, ठीक है।
देखिए अगर इनको ऐड करेंगे सर, ऐड करने के बाद 30 हो जाएगा टोटल, 30 हो जाएगा, 30 होगा सर। जितने आपके मजदूर होंगे ठीक है, उतना ही या वर्कर्स होंगे तो उतने ही आपके टोटल आएगा। टोटल लिख देंगे नीचे और टोटल नीचे 30 लिख देंगे इसमें। ओके, यहाँ पे स्पेस नहीं तो ऐसा कर दूंगा मैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब 4th में इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ग्राफ बना लेना है, हिस्टोग्राम। आपको पता तो है ये, ठीक है, बताते जाइएगा ठीक है। ये आपका कैसे होगा, मैं आपको ग्राफ बनाए दे रहा हूँ। ये आपका यहाँ पे हो जाएगा बेजेस, इसमें है ठीक है, बेजेस हो गया। फिर इसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स, तो यहाँ पे आपको वर्कर्स की जो संख्या है वे आपको लिखनी है ठीक है। तो मैक्सिमम कितना था, मैक्सिमम 9 था ठीक है। तो आप सीधे से यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये आपका 10 ठीक है। तो इसमें फर्स्ट आपका कितना है, 800 to 800 ये लिखा हमने, और इसके अकॉर्डिंग हम जो एक तो कितनी संख्या दी हुई है, 800 to 810 थ्री। बोल नहीं रहा है आप लोग, हेलो हेलो, यस सर, 3 यस सर, यस सर, यस सर, 3 ना ठीक है, यस सर। तो 800 to 810 थ्री। तो यहाँ पे आपको ऐसे कर देना, ये 3 हो गया ठीक। अब नेक्स्ट आपका है 810 सर, 20 कितनी है, 2 तो इसके बाद 2 इसके बाद कितनी है 820 तो 830 सर, 1 है तो 1 आप कैसे कर देंगे। फिर नेक्स्ट आपका कितनी है, 800 9 तो कर देना, ये 9 तक ले जाना और ये आपका 9 हो जाएगा, ये 9 हो गया। फिर इसके बाद आपका 850 42 55 तो यहाँ पे आप लिखते जाइएगा ठीक है, ध्यान रखिएगा क्योंकि आप स्पेस नहीं, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो 5 है तो ये 5 लिख दिया। फिर नेक्स्ट कितनी है सर, 5 के बाद 1 है तो फिर 1 वैसे ही आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 3 तो 3 को फिर ऐसे कर देंगे, फिर 1 फिर 1 है, फिर 1 तो फिर से 1 है, ये थोड़ा एक्सटेंड ज्यादा हो गया, ये 1 और ये 1 और ये 1 दोनों कंटिन्यू 1 है ठीक है। लास्ट में आपका है 4 है सर, ये आपका 4 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो टोटल आपका 10 हो गया।
आपको लिखते जाना, जैसे 820 to 30, 830 to 40, 40 to 50 and 50 to 60, 60 to 70, ऐसे कंटिन्यू लिखते जाना। ओके ओके सर, समझ में आ गया? यस सर, यस सर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 800, क्वेश्चन नंबर 4 में 830 टू 40 ग्रुप हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, तो पहले सॉरी क्वेश्चन था विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर, तो आपका 830 टू 40 में आपका मैक्सिमम है। यस सर, 22। यस सर, इसमें मैक्सिमम कितने? 9। नेक्स्ट आपका हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर, कितने? 10। ओके, एंड नेक्स्ट हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850? सर 20 सर। हाँ, टोटल 30 है, उसमें 10 से माइनस कर देंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ वाला आप ग्राफ देख के कर ही लेंगे, ग्राफ बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको कर लेना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी है 5.2। तो 5.2 5.2 में आपका पाई चार्ट, तो कल आप लोगों को मैं पाई चार्ट बताऊंगा बनाना। ठीक है, तो आप लोग जो है कंपास, ठीक है, लेके रखिएगा, उसके थ्रू बनाएंगे। ठीक है, तो कल जो है एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। ओके ओके सर। यस सर। ओके बाय सर। बाय सर।